Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. It is my email ID, and in the process of discussing educational thinkers, today I am going to discuss Jean-Jacques Rousseau on education, or you can say educational philosophy of Rousseau, or you can say Rousseau on educational thought. Rousseau, educational thoughts of Rousseau, anything you can say. The lecture will be in bilingual mode and it must be useful for your various examinations, competitive as well as your general, regular and professional courses. So let's start. First of all, Rousseau on education. शिक्षा पर रूसो की क्या दृष्टि थी? तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि जितने भी thinkers हम पढ़ रहे हैं वो सब दूर दृष्टि रखते थे, उनके पास वो विजन था, वो देख सकते थे कि आने वाला समाज कैसा होगा और किस तरीके की शिक्षा की जरूरत होगी। 100-200 साल पहले की उनकी कही हुई बातें आज भी सत्य प्रतीत होती हैं और आज भी हम धरातल पे, यथार्थ पे उसको पा नहीं पाए हैं। ठीक है, तो जानते हैं, देखते हैं कि रूसो साहब क्या कह गए शिक्षा पे। तो ही वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट नेचुरलिस्टिक फिलोसोफर्स ऑफ एजुकेशन। वो शिक्षा में जब आप प्रयोजनवादी प्रकृतिवादी दर्शन पढ़ते हैं तो उसके प्रोमिनेंट सबसे मुख्य फिलोसोफर हुए हैं। हिज नोशंस ऑन एजुकेशन हैव बीन रिटन इन हिज इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस लाइक द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, उन्होंने लिखा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने लिखा न्यू हेलोइज, उन्होंने लिखा और इमील, इमील उनकी सबसे उनका सबसे फेमस पब्लिकेशन है। रूसोज नेचुरलिस्ट फिलोसफी शोज इन थ्री फॉर्म्स, सोशल नेचुरलिज्म, साइकोलॉजिकल नेचुरलिज्म एंड फिजिकल नेचुरलिज्म। रूसो की जो प्रकृतिवादी दर्शन है उनके तीन रूपों में हमको दिखाई देता है उनकी रचनाओं में, सामाजिक प्रकृतिवाद, मनोवैज्ञानिक प्रकृतिवाद और भौतिक प्रकृतिवाद। तो चूंकि यहाँ पे लेक्चर नेचुरलिज्म पर फोकस नहीं है, एजुकेशनल फिलोसफी पर है, इसलिए हम यहाँ पे नेचुरलिज्म को डिस्कस नहीं करेंगे, उसको अलग से नेचुरलिज्म में पढ़ेंगे। हिज फिलोसफी कंसेप्ट ऑफ नेचुरल स्टेट, नेचुरल मैन एंड नेचुरल सिविलाइजेशन। उनकी जो फिलोसफी थी वो, जो उनकी एजुकेशनल फिलोसफी थी, उसमें तीन मुख्य उनके कंसेप्ट जिसके बारे में वो बार बार बात करते हैं, प्राकृतिक राज्य, प्राकृतिक व्यक्ति, प्राकृतिक इंसान, प्राकृतिक मनुष्य और प्राकृतिक सभ्यता। तो क्या क्या मतलब है उनका जब वो नेचुरल स्टेट कहते हैं, नेचुरल मैन कहते हैं और नेचुरल सिविलाइजेशन कहते हैं। नेचुरल स्टेट मींस दैट सिंपल फ्रेमिंग कम्युनिटी और स्टेट विदाउट इविल्स, करप्शन एंड सोशल क्लासेस। वो कह रहे हैं जब हम प्राकृतिक राज्य की बात करते हैं, इसका मतलब वो राज्य जिसमें कि बुराइयां नहीं होंगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा और सामाजिक वर्ग नहीं होंगे। क्यों ऐसा कह रहे हैं वो? क्योंकि जिस काल समाज में वो रहते थे वहां पर समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त था, बुराइयां थीं, जो सामाजिक वर्ग थे, जो उच्च वर्ग था वो निम्न वर्ग का शोषण करता था, वो सब इन्होंने महसूस भी किया था। इसलिए वो चाहते हैं कि जो स्टेट हो वो नेचुरल हो। मैन क्या नेचुरल हो? मैन के नेचुरल होने से क्या सेंस है? नेचुरल मैन मीन्स मैन इज गवर्न एंड डायरेक्टेड बाई लॉज ऑफ हिज ओन नेचर रादर देन दोज ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। वो कह रहे हैं प्राकृतिक मनुष्य वो है जो कि अपने नियमों, अपनी प्रकृति के नियमों से गवर्न है, डायरेक्टेड है, ना कि सोशल इंस्टीट्यूशंस के लॉज से। और वो कहते हैं कि सिविलाइज्ड मैन बॉर्न लिव्स एंड डाइज इन अ स्टेट ऑफ स्लेवरी। वो कहते हैं कि जो सभ्य मनुष्य है, सो कॉल्ड सभ्य मनुष्य है, वो पैदा होता है, रहता है और मर जाता है दासत्व की अवस्था में। इसका मतलब वो सिविलाइज्ड मैन को अच्छा नहीं मान रहे हैं, वो सिविलाइजेशन को अच्छा नहीं मान रहे। रूसो हैज रिमार्क दैट लीव द चाइल्ड अलोन, लेट हिम अ नेचुरल मैन रादर देन ए सिविलाइज्ड मैन। उनका कथन था, उन्होंने ये टिप्पणी की कि आप बालक को छोड़ दीजिए, अकेला छोड़ दीजिए, उसको एक प्राकृतिक मनुष्य बनने दीजिए, ना कि उसको सिविलाइज्ड मैन बनाइए। क्यों? अकॉर्डिंग टू रूसो सिविलाइजेशन से गंदगी आ रही है, भ्रष्टाचार आ रहा है, बुराइयां आ रही हैं। लेट हिम हैव अ स्टेट ऑफ नेचुरल रादर देन आर्टिफिशियल सराउंडिंग्स दैट शंट हिज प्रॉपर ग्रोथ एंड अरेस्ट हिज नेचुरल डेवलपमेंट। वो कह रहे हैं कि उसको नेचुरल स्टेट में रहने दीजिए, आर्टिफिशियल सराउंडिंग्स आप उसको मत दीजिए। क्यों? क्योंकि वो आर्टिफिशियल सराउंडिंग्स जो हैं, जो वो कृत्रिम वातावरण हम उसको दे देते हैं, वो उसकी प्रॉपर ग्रोथ को रोकता है और उसके नेचुरल डेवलपमेंट को भी रोकता है। तो अकॉर्डिंग टू रूसो नेचुरल सिविलाइजेशन इज फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियल सराउंडिंग्स एंड बैरियर्स दैट पॉल्यूट द गुडनेस ऑफ अवर नेचर। वो कहते हैं कि जो प्राकृतिक सभ्यता है वो आर्टिफिशियल सराउंडिंग्स और बैरियर्स से मुक्त होती है, जो कि हमारे प्रकृति की, हमारे नेचर की गुडनेस को पॉल्यूट कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, खराब कर देते हैं। ठीक है, और क्या कहा रूसो ने? वो कह रहे हैं रिटर्न टू नेचर या रिटर्न टू नेचुरल थिंग्स, ये इनका मेन मोटो है। वॉज इज मेथड टू क्योर ऑल ट्रबल्स। उन्होंने कहा कि हर परेशानी का समाधान इसमें है कि आप प्रकृति की ओर लौट जाइए। इन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो उनकी का पब्लिकेशन है, उसमें वो कहते हैं कि वॉज स्टेटेड दैट मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेन्स। वो कह रहे हैं मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र ही हुआ था, हमने उसको जगह जगह जंजीरों में जकड़ लिया है।
रूसो जंजीरें यहाँ पे क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल लॉज, सिविलाइजेशन, यही सब। रूसो एडमायर्ड द सिंप्लिसिटी एंड प्योरिटी ऑफ नेचर। देखिए प्रकृतिवादी है ना, प्रकृति की महत्ता पर उनका भरोसा है। वो कह रहे हैं कि प्रकृति में शुद्धता है, प्रकृति में साधारणपन, जो सिंप्लिसिटी है, उसकी वो प्रशंसा करते थे। ही स्टेटेड दैट गॉड मेक्स ऑल थिंग्स गुड। उन्होंने कहा ईश्वर ने तो सब कुछ अच्छा बनाया। मैन मेडल्स विद देम एंड दे बिकम इवल। उन्होंने कहा जब मनुष्य ने उससे मध्यस्थता स्थापित की, जब हमने उसको छू लिया, वो बुरा हो गया। ही डिक्लेयर्स, वो घोषणा करते हैं दैट एवरीथिंग इज गुड एज इट कम्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द ऑथर ऑफ नेचर। जो प्रकृति के रचयिता हैं, जो ईश्वर हैं, उनके हाथ से हमको जो कुछ भी मिलता है वो सब अच्छा है, वो सब बढ़िया है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि रूसो प्रकृतिवादी के साथ साथ आइडियलिस्टिक भी हैं। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर की सत्ता को, महत्ता को स्वीकार कर रहे हैं। बट एवरीथिंग डी जनरेट्स इन दी हैंड्स ऑफ मैन। बट वो कह रहे हैं कि मनुष्य के हाथों में सब कुछ का क्षरण हो जाता है, खराब हो जाती है। अकॉर्डिंग टू रूसो देर आर थ्री मीनिंग्स ऑफ नेचर। मतलब जब जब वो नेचर की बात करते हैं तो तीन अर्थ हो सकते हैं उसके। क्या क्या? आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी, जब जब आप समाज से दूर हैं तब आप नेचर के पास हैं। इननेट टेंडेंसीज ऑफ द चाइल्ड, जो मनुष्य की, जो बालक की इननेट टेंडेंसी है, जो प्रकृति प्रदत्त गुण है, जो लेकर वो पैदा हुआ है, वो नेचर है। और कांटेक्ट विद नेचुरल एनवायरनमेंट, और नेचुरल या प्राकृतिक वातावरण से संपर्क तो नेचर, नेचुरल या नेचर है ही। हिज फेमस बुक इमील, देखिए इमील में उन्होंने किया क्या है, उन्होंने एक काल्पनिक बच्चे की कल्पना की है, चरित्र की कल्पना की, और वो उसको जिस तरीके की शिक्षा दे रहे हैं, उस मतलब वो जो जो शिक्षा के बारे में चाहते हैं वो सब उन्होंने इमील के साथ किया है। His book, famous book, Emil is in the field of child education. आप समझ सकते हैं कि बाल्य शिक्षा की वो बहुत famous किताब है। Here he described the process of education through education of an imaginary child, Emil. मतलब एक पात्र लिया उन्होंने और उसकी शिक्षा की उन्होंने कल्पना की है कि इस तरह से शिक्षा होनी चाहिए। Who was given education in a natural environment away from society and school. उस बच्चे को उन्होंने समाज से और विद्यालय से दूर प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा दी। इन दिस बुक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन वर गिवन। उनकी किताब में आपको मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी मिल जाएंगे शिक्षा के। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मच मोर इम्पॉर्टेंस इज दिस चाइल्ड वॉज लेफ्ट फ्री टू एक्सप्लोर नेचर। वो कह रहे हैं बालक को सबसे ज्यादा महत्ता दो, उसको छोड़ दो, उसको अकेला छोड़ दो, वो नेचर को एक्सप्लोर करे। सो दैट शी कुड डेवलप फिजिकली एज वेल एज मेंटली इन द लैप ऑफ नेचर। जिससे कि वो इमील जो है वो प्रकृति की गोद में उसका मानसिक विकास हो, उसका शारीरिक विकास हो। आप उसे छोड़ दीजिए, उसे कुछ पढ़ाइए नहीं, उसको किताब मत दीजिए। नेचर इज द ग्रेटेस्ट टीचर इन अकॉर्डेंस टू रूसो। रूसो ऐसा कहते थे। देखिए नेगेटिव एजुकेशन इनका एक बहुत फेमस कंसेप्ट है, और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि आप नेगेटिव एजुकेशन पे कमेंट कीजिए, टिप्पणी लिखिए, तो आपने चूंकि पढ़ा तो है नहीं, तो आप लिख देंगे कि उन्होंने कहा था शिक्षा खराब होती है, शिक्षा को नहीं देना चाहिए, शिक्षा में ये बुराइयां हैं। ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा। उनके लिए नेगेटिव एजुकेशन का कंसेप्ट क्या है, देखिए वो कह रहे हैं इट इन्वॉल्व्स, नेगेटिव एजुकेशन या निषेधात्मक शिक्षा का मतलब है नॉट इन टीचिंग द मोरालिटीज ऑफ वर्च्यू एंड ट्रुथ बट इन प्रोटेक्टिंग द हार्ट काउंटर टू वॉइस एंड द माइंड काउंटर टू मिस्टेक। वो कह रहे हैं बच्चे को गुण मत सिखाओ, सच बोलना मत सिखाओ, बल्कि बच्चे के दिल को, हृदय को सिखाओ कि कैसे अवगुणों से दूर रहना है, कैसे आप अवगुणों से अपने आप को बचा सकते हैं, और मस्तिष्क को सिखाओ कि उसको कैसे गलती करने से रोकना है। ये सिखाओ, ये मत सिखाओ ये गुण है ये सच है, उसे सिखाओ अवगुण से कैसे बचो, झूठ से कैसे टैकल करो, झूठ कैसे ना बोलो। तो नेगेटिविटी यहाँ है, नेगेटिविटी, नेगेटिव एजुकेशन से इनका ये मतलब, ये वो बिल्कुल कतई मतलब नहीं है कि आप एजुकेशन मत दीजिए। किसकी एजुकेशन दीजिए? हाउ टू प्रोटेक्ट द हार्ट, हाउ टू प्रोटेक्ट द माइंड। According to Rousseau, negative education is that education which shapes the faculties and organs which exist as the tools of knowledge before giving the direct experience. ये कह रहे हैं कि बच्चे को आप देखिए क्या कह रहे हैं, प्रकृति से सीखना है तो कैसे सीखेगा, प्रकृति सिखाने तो आएगी नहीं, प्रकृति क्या देगी, अनुभव देगी। तो जो जो हमको डायरेक्ट अनुभव मिल रहा है वो बच्चे को मिले, उसके पहले आप बच्चे के ऑर्गेन्स, उसके सेंस ऑर्गेन्स, उसकी जितनी है, उसके शरीर के अंग है, उन सबको शेप कीजिए, उनको उनको ट्रेन कीजिए। ये है नेगेटिव एजुकेशन का कंसेप्ट। इट मेक्स पाथ फॉर मोटिव बाई द अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज ऑफ द सेंसेज। वो कह रहे हैं ये किसका रास्ता बनाएगा, जो हमारे ज्ञानेन्द्रियां हैं उनकी प्रॉपर एक्सरसाइज हो जाएगी। इट फैसिलिटेट्स द इंडिविजुअल टू ऑप्ट द वे विच विल लीड देम टू रियलिटी। वो कह रहे हैं कि ऐसा करने से जो इंडिविजुअल होगा उसको सुविधा होगी। किसके लिए सुविधा होगी? ताकि वो रियलिटी तक जा सके। When they will reach the age to understand it, वो कह रहे हैं जब वो उस अवस्था में पहुंच जाएंगे, जब वो समझ पाएंगे तो समझ सकेंगे। इन अकॉर्डिंग अभी आप आगे पढ़ेंगे कि रूसो भी मानते थे कि जो बालक है उसके पास रीजनिंग की क्षमता नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की क्षमता नहीं, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तब उसमें क्षमता आती है। ऐसा और कौन कहता है? ऐसा पियाजे कहते हैं।
नेगेटिव एजुकेशन इज विदाउट एनी टाइज एंड कंट्रोल मैकेनिज्म. नेगेटिव एजुकेशन में क्या नहीं करना है, कंट्रोल नहीं करना है. क्या नहीं करना है, कोई बंधन नहीं लगाना है. इसका निषेध है, बंधन का निषेध है, नियंत्रण का निषेध है, शिक्षा का निषेध नहीं है. आप इस बात को जान लीजिए. इन दिस द चाइल्ड लर्न्स अकॉर्डिंग टू हिज हर ओन पेस. कह रहे हैं ना कि इन्होंने साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की बात की है. ये बात कर रहे हैं कि बालक जो है वो अपनी गति से सीखे. रूसो के शब्दों में, आई कॉल नेगेटिव एजुकेशन दैट विच टेंड्स टू परफेक्ट द ऑर्गन्स दैट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नॉलेज. वो कह रहे हैं वो जो सेंसेस हैं, बार बार आपको ये बात निकल के आएगी कि ट्रेनिंग सेंसेस की देनी है. क्यों? क्योंकि सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज. जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो फाटक हैं किसके, ज्ञान के. क्योंकि ज्ञान को हम एक्सपीरियंस करते हैं तो सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही एक्सपीरियंस करेंगे. तो वो कह रहे हैं कि जो नेगेटिव एजुकेशन है उसका मतलब है कि जो आपके ऑर्गन्स हैं उसको परफेक्ट किया जाए. क्यों? क्योंकि वो ज्ञान के उपकरण हैं. गिविंग दिस नॉलेज डायरेक्टली इज ट्रू एजुकेशन एंड दैट इन ये ही ज्ञान देना सही मायनों में शिक्षा है. एंड दैट एनेबल्स टू प्रिपेयर द वे फॉर रीजन. वो कह रहे हैं इससे क्या होगा कि हमें तर्क करने की क्षमता आएगी. क्यों? क्योंकि अगर हमारी ज्ञानेंद्रियां की ट्रेंड होंगी तो. अ नेगेटिव एजुकेशन डज नॉट मीन द टाइम ऑफ आइडलनेस. वो ये कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि आलसी बन जाइए, आलस्य को अपना लीजिए, वही निषेधात्मक शिक्षा है. बल्कि आप उससे दूर रहिए, ये निषेधात्मक शिक्षा है. इट डिस्पोजेस द चाइल्ड टू टेक द फेथ दैट विल लेंड हिम टू ट्रुथ व्हेन ही हैज रीच्ड द एज टू अंडरस्टैंड इट. वो कह रहे हैं जब वो उस एज पे पहुंच जाए, जब वो ट्रुथ को समझ पाए, अंडरस्टैंडिंग को समझ पाए, तो वो तभी समझ पाएगा जब आप उसका सेंस ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करेंगे, ट्रेनिंग देंगे. एंड टू गुडनेस व्हेन ही हैज एक्वायर्ड द फैकल्टी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड लविंग. यहाँ पे फैकल्टी का मतलब फैकल्टी टीचर से नहीं है, फैकल्टी का मतलब मनुष्य के अंग से है. इन नेगेटिव एजुकेशन रूसो हैज लेड स्ट्रेस ऑन ट्रेनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन्स. ये बात क्लियर हो गई कि हमको सेंस ऑर्गन्स की ट्रेनिंग करनी है. क्यों? क्योंकि सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही हम ज्ञान को अनुभव कर सकते हैं. लर्निंग बाई एक्सपीरियंस बार बार बात निकल के आ रही है. इन प्लेस ऑफ बुकिश नॉलेज रेट, हमको बुकिश नॉलेज नहीं देनी है, किताबी शिक्षा से दूर रखना है बच्चे को. चिल्ड्रन आर नॉट बाउंड, बच्चे को बांधना नहीं है. दे आर इंडिपेंडेंट टू ब्रिंग अबाउट देयर डेवलपमेंट इन नेचुरल एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नेचर. हर बालक का नेचर अलग है और जब आप उसको नेचर में छोड़ देंगे, नेचुरल एनवायरमेंट में छोड़ देंगे, तो वो अपने हिसाब से अपना डेवलपमेंट उसका खुद हो जाएगा. ये कह रहे थे रूसो. इन हिज ओन वर्ड्स, उन्हीं के शब्दों में अगर हम कहें तो एजुकेशन इज अ डेवलपमेंट फ्रॉम विद इन. हमारे अंदर जो कुछ है वो उसका विकास शिक्षा है. एंड नॉट एन इक्वेशन फ्रॉम विदाउट. इट कम्स थ्रू द वर्किंग ऑफ नेचुरल इंस्टिंक्ट्स एंड नॉट थ्रू रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फोर्सेस. ठीक है, तो ये सब शिक्षा पर रूसो के विचार थे. करिकुलम की अगर उनकी बात करें तो वो पाठ्यक्रम चाहते थे. देखिए, उन्होंने जो पढ़ाई लिखाई की अवस्था थी उसको इन्फेंसी से लेकर यूथ तक बांटा. इन्फेंसी को उन्होंने कहा 5 साल तक की अवस्था में बालक शैशवावस्था में है, 5 से 12 वर्ष में वो बाल्यावस्था में रहता है, फिर 12 से 15 में वो किशोरावस्था में होता है, और 15 से 20 में वो युवावस्था में होता है. जब इन्फेंसी की बात कर रहे हैं तो करिकुलम कैसा होना चाहिए? जब बालक शैशवावस्था में है तो आप उसको सिर्फ क्या सिखाइए, उसके शरीर का, उसके सेंस ऑर्गन का डेवलपमेंट कीजिए. मॉरल कन्वर्सेशन उसको मदर टंग में सिखाइए. कितनी 100 सालों से कहा जा रहा है कि मदर टंग में छोटे बच्चे को शिक्षा दीजिए या प्रारंभिक शिक्षा मदर टंग में दीजिए. और उसको क्या कीजिए, डिबार फ्रॉम डेवलपिंग एनी बैड हैबिट, कोई भी बुरी आदत उस पर विकसित मत होने दीजिए. और इसके लिए आप शिक्षण विधि क्या अपनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आप उसकी ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण दीजिए और काउंसलिंग मेथड अपनाइए. जब वो बाल्यावस्था में पहुंचता है, चाइल्डहुड में, तो आप क्या करिए, लर्न एवरीथिंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन. क्योंकि आपको नेचर में डालना है, आपको उसको बुक से दूर रखना है, तो आप वो अनुभव से सीखेगा, प्रेक्षण से सीखेगा. कोई उसको टेक्स्ट बुक मत बताइए, नेगेटिव एजुकेशन दीजिए, मतलब आप उसको बाउंडेशन से दूर रखिए, आप उसको वर्च्यू मत सिखाइए, वाइस से दूर रखिए, आप उसको ट्रुथ बोलना मत सिखाइए, मिस्टेक मत करना सिखाइए. ठीक है, फ्री प्ले, फ्री करने दीजिए, प्ले करे, मूवमेंट करे, एक्शन करे, और कोई रिजिड करिकुलम इस वक्त ना हो. तो मेथड क्या अपनाया जाएगा, प्ले वे मेथड से बच्चा सीखे, प्रैक्टिकल वर्क करके सीखे, खुद से सीखे, अनुभव से सीखे. फिर जब वो एडोलेसेंस में पहुंचेगा तब आप उसको एक फॉर्मल करिकुलम दे सकते हैं, जहाँ पे आप उसको नेचुरल साइंसेज पढ़ाइए, लैंग्वेजेस पढ़ाइए, मैथमेटिक्स पढ़ाइए, आप उससे कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस कराइए, जैसे वुड वर्क करा लीजिए, पेंटिंग करा लीजिए, पेंटिंग है, स्पेलिंग गलत है, म्यूजिक, वो खुद भी बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे रूसो. और एक्टिव वर्क बेस्ड करिकुलम होना चाहिए, बुक बेस्ड नहीं होना चाहिए. यानी कि ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट का विरोध कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को फॉलो करने को कह रहे हैं. और टीचिंग मेथड के लिए क्या कह रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके सीखे, देख के सीखे, खोज के सीखे, प्रयोग करके सीखे, प्रेक्षण से सीखे. ठीक है, और जब यूथ हो जाता है, बच्चा युवावस्था में चला जाता है, 15 से 20 वर्ष का बच्चा है, तो आप उसको मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन दीजिए, बट एक्चुअल एक्सपीरियंस से.
फॉर्मल लेक्चर से नहीं, लेक्चरिंग से मोरालिटी नहीं सिखाई जा सकती है। एजुकेशन फॉर बॉडीली हेल्थ म्यूजिक एंड हैंड्स ऑन, और ह्यूरिस्टिक मेथड से सीखे बच्चा, खोज के सीखे, खोजपूर्ण विधि अपनाइए, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट्स इन टीचिंग, मतलब टीचिंग में आप उसको रियल ऑब्जेक्ट्स दिखाइए। फिर इनके हिसाब से एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, शिक्षा के उद्देश्य, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो, उसकी सेंस ऑर्गन्स की ट्रेनिंग हो, वो बौद्धिक रूप से भी विकसित हो, सामाजिक रूप से विकसित हो, उसके पास जीने की कला हो, उसको अपने अधिकारों का ज्ञान हो, और उसकी एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो सके। ये रूसो चाहते थे शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए। फिर मेथड्स ऑफ टीचिंग, यहाँ एक आध बार कुछ रिपीटेशन हो गया है, नो डाउट ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस सबसे खास बात रूसों की शिक्षा व्यवस्था की। आप उसको ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण दीजिए, खेल कूद से सीखने दीजिए, खुद से सीखने दीजिए, अनुभव से सीखने दीजिए, बच्चा करके सीखे, प्रेक्षण से सीखे, इंक्वायरी से सीखे, एक्सपेरिमेंटल मेथड से सीखे, खोज विधि से सीखे। एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्शन, आप उसको उदाहरण दीजिए। सोशल नॉलेज उसको कैसे मिले, सोशल पार्टिसिपेशन से मिले। आप उसको इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन दीजिए, क्योंकि रूसो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड और लर्निंग बाय डूइंग, यही दो रिपीटेटिव हैं। फिर एजुकेशनल थॉट्स की अगर बात करें, कि रूसो के शैक्षिक विचारों की बात करें, तो मोर और लेस वो एक ही बात कह रहे हैं कि ऑल इज वर्दी व्हेन इट कम्स फ्रॉम गॉड्स हैंड। वो कह रहे हैं प्रकृति के, ईश्वर के हाथों से जो कुछ हमको मिलता है सब कीमती है, सब अच्छा है, सब बढ़िया है, बट ड्यू टू इट्स इम्पैक्ट ऑफ द सोसाइटी, पर जब आप उसमें समाज को टच करा देते हैं, इट ग्रेजुअली डिजनरेट्स, ये धीरे धीरे खराब होता जाता है। ही वॉज ए सपोर्टर ऑफ नेगेटिव एजुकेशन, वो निषेधात्मक शिक्षा के अनुयायी थे, समर्थक थे। उन्होंने कहा बच्चे को स्कूल मत भेजो, बच्चे को प्रकृति में छोड़ो। Society is repleted with several defects and nature is completely true. वो कह रहे हैं कि समाज जो है वो बुराइयों से ग्रसित है, व्यसित है, त्रसित है, सिर्फ प्रकृति है जो सच्ची है, जो सही है, जो जिसके पास में कोई बुराई नहीं है। Man's behavior has become unnatural or artificial due to civilization. बोल रहे हैं जब आप हम civilized करने की प्रक्रिया में बच्चे को, मनुष्य को unnatural कर देते हैं। Man's sense or organs are the gateways of knowledge. वो कह रहे हैं कि मनुष्य के जो ज्ञान इंद्रियां हैं वही फाटक हैं, वही रास्ता है जिससे आप ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं, इसीलिए बार बार उसकी ट्रेनिंग की बात कहते हैं। और एजुकेशन बाई सेंस ऑर्गन्स इज ट्रू एजुकेशन, वो कह रहे हैं जो हमको ज्ञान इंद्रियों से शिक्षा मिलती है वही सच्ची शिक्षा है। डिसिप्लिन के बारे में वो क्या कहते थे, चूंकि वो कह रहे हैं कि बच्चे को खुला छोड़ दो, बच्चे को कोई बाउंडेशन मत बनाओ, कोई नियम मत लगाओ उस पे, तो इनका डिसिप्लिन का बहुत फेमस कोट है कि डिसिप्लिन बाई नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब बच्चा खुद जो उसका परिणाम मिलेगा उससे सीखेगा। तो यहीं पर इनका बहुत बड़े क्रिटिक इनके आ गए, उन्होंने कहा कि आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, बच्चे को नहीं पता है, उसको उतना संज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, लॉजिक नहीं है, रीजनिंग नहीं है, तो कैसे तय कर पाएगा उसको क्या करना है नहीं करना है, इसलिए बच्चे पर चेक लगना चाहिए। लेकिन रूसो एकदम एक्सट्रीम नेचुरलिस्टिक हैं, उन्होंने कहा बच्चे को बिल्कुल नेचर में छोड़ दो, नेचर उसको सिखाएगी कि क्या गलत है क्या सही है, और वहीं से वो अनुशासित होगा। तो इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क मिल जाएंगे आपको। रोल ऑफ टीचर में रूसो क्या चाहते थे, कि रूसो सेड द टीचर शुड प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, रिप्रेशंस एंड मेंटल डिसऑर्डर्स ऑफ ऑल काइंड्स। वो कह रहे हैं शिक्षक ऐसा हो जो बालक को मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मानसिक द्वंद्व से बचाए, मानसिक तनाव से बचाए, मानसिक अवसादों से बचाए। He believed that teacher should not interfere with the activities of the children. क्योंकि बालक को खुला छोड़ने की अनुयायी है, तो उन्होंने कहा शिक्षक कहीं उसको इंटरफेयर ना करे। The teacher's duty is that he should see that the education of the students is the free development of their interests and motives. तो शिक्षक करेगा क्या, उसको ये देखना है कि बालक का विकास क्या उसकी रुचि और मोटिव के हिसाब से हो रहा है कि नहीं, इतना काम है शिक्षक का। और कंक्लूजन अगर हम करना चाहें, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देना चाहें रूसो साहब के बारे में, तो उनका मेन कंसेप्ट क्या है, फ्रीडम, नेचुरल थिंग, नेचुरली उसको ग्रो होने दो, नेचुरल उसका डेवलपमेंट होने दो। वो कह रहे हैं कि फ्रीडम को उन्होंने सबसे ज्यादा महत्व दी है। वो कहते हैं कि फ्रीडम दो कारणों से चाहिए, फर्स्ट क्योंकि नेचुरल मैन इज फिजिकली फ्री, जो प्राकृतिक आदमी होता है, जो प्रकृति का मनुष्य होता है, वो फिजिकली फ्री होता है, क्योंकि वो किसी से दबाव की स्थिति नहीं महसूस करता है, ना राज्य की, ना फेलो मैन की, ना लॉज की, ना प्रिंसिपल्स की। सेकेंडली वो कहते हैं कि साइकोलॉजिकली एंड स्पिरिचुअली फ्री, वो मनोवैज्ञानिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से भी फ्री होता है। क्यों, क्योंकि ही इज नॉट इंस्लेव टू एनी ऑफ द आर्टिफिशियल नीड्स दैट कैरेक्टराइज मॉडर्न सोसाइटी। अब मॉडर्न सोसाइटी क्या है, कि फ्रिज होना चाहिए, एसी होना चाहिए, एसी कार होनी चाहिए, इन सब किसी कृत्रिम आवश्यकताओं का वो दास नहीं होता है। दिस सेकेंड सेंस ऑफ फ्रीडम, द फ्रीडम फ्रॉम नीड, मेक्स अप ए पर्टिकुलरली इनसाइटफुल एंड रिवोल्यूशनरी कॉम्पोनेंट ऑफ रूसोस फिलोसफी। कह रहे हैं कि जो रूसो का दर्शन है उसमें ये एक इनसाइटफुल चीज है, एकदम नई है और एकदम रिवोल्यूशनरी है, क्रांतिकारी है, कि हमको नीड से फ्रीडम हो जाए, हमारी कोई आवश्यकता ही नहीं होगी तो हम किसी चीज के गुलाम ही नहीं होंगे, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो
रूसो बहुत दूरदृष्टि रखते थे, और उन्होंने मतलब ये सोचिए कि जिस वक्त कहा जा रहा होगा कि स्कूलिंग जरूरी है, स्कूल सिविलाइजेशन जरूरी है, सिविलाइज्ड मैन अच्छा होता है, तब ये कह रहे हैं कि नहीं सिविलाइजेशन से दूर रखो, बच्चे को नेचुरल रहने दो, बच्चे को प्रकृति में छोड़ दो, प्रकृति से बड़ा शिक्षक कोई नहीं है, प्रकृति ही आपको अनुशासन सिखा सकती है। तो कहीं कहीं ये जरूर एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दी थिंग्स, मोस्ट ऑफ दी बातें इनकी सही हैं। ठीक है, तो ये जो रूसो हुए, उनके शैक्षिक विचार हुए, तो आप इसको एलिबरेट करके अपना लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, कम से कम कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आई थिंक इट इज गुड फॉर यू एंड इनफ फॉर यू। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। डन फ्रॉम माय साइड।